हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ये सरस्वती पूजा मेकअप लुक, जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है एंड काफ़ी यूनिक है एंड दिस इज़ वेरी इजी टू क्रिएट। ये एकदम लास्ट मिनट सरस्वती पूजा मेकअप ट्यूटोरियल है, सो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अमेजोन पे अभी चल रही है मेगा फैशन डेज फ्रॉम 26th ऑफ जनवरी टू 31st ऑफ जनवरी, सो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स इस वीडियो में दिखाए हैं सारे ही अमेजोन से मैंने परचेज किया है, क्योंकि मुझे अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस में मिल गए थे टू बी वेरी ऑनेस्ट। और सारे प्रोडक्ट्स की परचेजिंग लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कीजिएगा। अपने क्लीन फेस पर मैं सबसे पहले टोनर इस्तेमाल करूंगी, ये है बायोटिक क्यूकुम्बर टोनर। ये पोर्स को ना अच्छे तरीके से क्लोज कर देता है। फिर मैं प्लम का ग्रीन टी क्रीम इस्तेमाल करूंगी, ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है एंड ऑयली स्किन के लिए परफेक्ट है। ये जो भी इसका सन ब्लॉक है विद SPF 45, बिकॉज मैं डे टाइम मेकअप शूट कर रही हूँ तो सनस्क्रीन इज मस्ट। उसके बाद मैंने प्राइमर को सिर्फ अपने पोर्स वाले एरिया पर ही अप्लाई किया है एंड देन मैं कलर करेक्शन कर रही हूँ। ये एक डार्क कंसीलर है जो कि इनसाइड कॉस्मेटिक्स का है एंड दिस इज़ अ वेरी हाई कवरेज कंसीलर। सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी ये कंसीलर। सिर्फ जहाँ जहाँ मुझे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है उसी एरिया पर मैंने कलर करेक्शन किया है एंड देन मैं इस Maybelline Fit Me इन द शेड 120 इस फाउंडेशन को अप्लाई कर रही हूँ। सिर्फ जहाँ बस एक डॉट मैंने लिया है और जहाँ जहाँ मेरे पिगमेंटेशन है या फिर थोड़ा बहुत कवरेज मुझे चाहिए उसी एरिया पर मैं फिंगर टिप से इस तरह से डैब करूँगी एंड दैट्स इट। कुछ भी ओवर द टॉप मैं नहीं करूँगी बिकॉज दिस इज़ डे टाइम लुक और डे टाइम में ज़्यादा मेकअप आप करोगे तो वो शो होगा एंड आजकल नेचुरल लुक्स ही बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। मैंने थोड़ा सा मेकअप को सेट कर लिया है, विंटर सीजन में ज़्यादा सेटिंग की ज़रूरत नहीं है बट ऑब्वियसली डे टाइम में थोड़ी बहुत स्वेटिंग की प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं, इसलिए थोड़ा मैंने सेट किया फिटमी कॉम्पैक्ट पाउडर से एंड देन मैं मार्स की ही ये जो पैलेट है 3-in-1 जहाँ पर ब्लश, कॉन्टोर और एक हाईलाइटिंग शेड मिल जाएगी उससे मैं अपने फेस को कॉन्टोर कर रही हूँ एंड देन उसी सेम पैलेट से मैंने ब्लश ये शेड लेकर मैं ब्लश को अप्लाई कर रही हूँ। आपको ये ध्यान देना है कि आपका मेकअप अच्छी तरीके से ब्लेंड हो, इसीलिए मैं ब्रश से अच्छे से ब्लश को ब्लेंड कर रही हूँ ताकि मेरी स्किन के साथ वो वेल ब्लेंडेड हो जाए और कुछ भी हार्श लाइंस ना दिखे। उसके बाद मैंने इनसाइड कॉस्मेटिक्स का ये हाइलाइटर लिया है इन द शेड 06 कॉस्मिक पावर और ये भी 99 रुपीज़ में आ जाता है एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड हाइलाइटर। मैंने अपने यूजुअल जो जिस प्लेसेस पे हम लोग हाइलाइटिंग करते हैं वहाँ पर मैंने इसे अप्लाई करके फिंगर टिप से ही इसी तरीके से ब्लेंड कर दिया। फॉर आईब्रोज मैं ब्लू हेवन का ब्राउ डिफाइनर ले रही हूँ एंड मेरे आईब्रोज ग्रूम्ड नहीं है इसलिए मैंने ज़्यादा फिल इन नहीं किया है, जस्ट गैप्स को फिल इन किया है। आप चाहते हैं तो अपने हिसाब से आईब्रोज को बना सकते हैं। फिर मैंने मार्स की ही कॉन्टोर जो पैलेट है वहाँ से ये वाला ब्राउन शेड लेकर अपने पूरे आईलेट पर ये आई शेडो में अप्लाई करूँगी एंड उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दूँगी एंड दैट्स इट। और कोई आई शेडो में अप्लाई नहीं करूँगी बिकॉज आई एम गोइंग फॉर अ मोर नेचुरल लुक और डे टाइम लुक है वैसे भी। मैंने Maybelline कोलोसल काजल लेकर सिर्फ अपने लोअर वाटर लाइन को टाइट लाइन किया है एंड देन Maybelline का ही मैंने मस्कारा अप्लाई कर लिया। दिस इज ऑल्सो रियली गुड मस्कारा, ये वाटर प्रूफ है। फॉर लिपस्टिक मैंने दो लिप शेड्स को मिक्स किया है, ये फेसेस कैनेडा का लिपस्टिक है इन द शेड पिंक जिसे मैं अपर लिप्स पर अप्लाई कर रही हूँ एंड लोअर लिप्स पर ये जैन एंड माइजा का लिपस्टिक। दोनों को मैंने इस तरह से मिक्स कर लिया एंड वाटर प्रिटी शेड और बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग है, स्मज प्रूफ, वाटर प्रूफ, किस प्रूफ है, आई लव द लिप शेड। शुगर का ये फिक्सर मैंने इस्तेमाल किया है, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड, स्वेट को काफ़ी देर तक कंट्रोल करता है एंड दिस इज़ माई फाइनल फिनिश्ड लुक। ये वेडिंग सीजन के लिए भी ना एकदम परफेक्ट है, वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक ट्यूटोरियल भी आप कह सकते हैं। सो मैंने इस लुक को इस तरह से कंप्लीट किया है और हेयर स्टाइल में मैंने मिडल पार्टीशन किया है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये मेकअप लुक आप सबको अच्छा लगा। मैंने इस मेकअप लुक को कंप्लीट किया है एक पिंक कलर की बिंदी के साथ और मैंने चूड़ियाँ भी मैचिंग पहना है मेरे ब्लाउज के साथ, क्योंकि मेरी जो साड़ी है वो काफ़ी लाइट कलर की है बिकॉज सरस्वती पूजा में हम दिन में निकलते हैं, डे टाइम के लिए ये लुक है तो उसमें मैं अपना जो साड़ी कलर है वो एकदम लाइट रखा है और उसके कॉन्ट्रास्ट पे मैंने ब्राइट कलर्स के ब्लाउज पहना है और उसके मैचिंग में ही मैंने एक्सेसराइज़
किया है मेरे इस लुक को। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये लुक आप सबको अच्छा लगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड नीचे कमेंट करके जरूर मुझे बताइए कि मैं इस तरीके के बहुत सारे लुक्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ या ना करूँ, क्योंकि वेडिंग सीजन तो है ही, तो वेडिंग सीजन स्पेशल मैं कुछ लुक शेयर करूँ या ना करूँ। सो आपको आज का ये लुक कैसा लगा वो भी नीचे कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय।